हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे सभी को। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए हो चुकी है मेरी दिन की शुरुआत मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर अम्मा जी आ चुकी हैं मंदिर की लिपाई करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में चढ़ेगी माता रानी को पूजा, जो कि जब खेतों में नई फसल कट जाती है तो उस नए गेहूं से पूजा चढ़ाई जाती है। तो नया गेहूं हमने उस टाइम पे आप सभी को दिखाया था कि मतलब 3-4 दिन तक लगातार हम सभी ने गेहूं धोए थे घर में, तो वही गेहूं अब सुखवा दिया था, उसके बाद पिसवा के आ चुका है, तो पिस के आ चुका है, तो उसी की पूजा चढ़ानी है। तो ये भी एक जैसे कि दो पक्ष होते हैं महीने में, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। तो अन्हारी या अजोरी के टाइम पे, मतलब एक 15 दिन अन्हार रहता है, 15 दिन अजोरी रहती है, तो उसी टाइम पे ये पूजा चढ़ाई जाती है। तो उतनी तो अभी मुझे जानकारी है नहीं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब किसी बड़े का साया हमारे ऊपर रहता है तो हम एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, तो वैसे ही अभी अम्मा जी हैं तो उतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से एक में ही चढ़ाई जाती है, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है पता नहीं। तो इधर नए गेहूं की आटे की पूरी बनेगी और लपचे बनेगी, जो कि माता जी को चढ़ाई जाएंगी। तो इधर आज मैं कुछ मतलब पूजा पाठ वाला कुछ वैसे काम करने लायक नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ मैं नहा धो के आ गई थी, और बाहर बाहर वाला काम जो भी था, मतलब सामान वगैरह देने लेने वाला काम, वही मैं कर रही थी। तो गैस वगैरह के तो आप सभी ने देखे, बर्तन मैंने सब बाहर धो के रख दिए थे मॉर्निंग में ही। और इस टाइम पे ना मन को मोह लेते हैं ये अच्छे सुंदर सुंदर फूल। तो देखिए इधर फूल और नीम की पत्ती, क्योंकि नीम की पत्ती तो माता जी को एकदम सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, तो इसकी धार वगैरह चढ़ती है हमारे यहाँ पे। और इधर जो आटा पिसवा के आया था, तो उधर अम्मा जी आटा गूंथ रही थी, तो फिर मैंने सोचा लाइए तब तक मैं खाली बैठी हूँ, तब तक इधर मैं आटा खाली कर लेती हूँ, क्योंकि वो काम भी करना ज़रूरी है। तो इधर अम्मा जी के साथ लगी हुई है रियाज कराने के लिए, क्योंकि अब जिसकी भी एक बार जब किसी भी चीज़ की जब हैबिट छूट जाती है, आदत छूट जाती है, तो वो नहीं हो पाता है। तो अम्मा जी का अभी जब से मैं आई हूँ तब से, आप सभी जानते हैं, हम सभी को अच्छा भी नहीं लगता कि हमारे बड़े काम करें और हम बैठे रहें, लेकिन अभी कुछ महीनों में हम सबकी औरतों की लेडीज़ की मजबूरी होती है, जिसके चलते कभी कभार हो जाता है, करना पड़ता है मैनेज। तो अभी मेरे बदले है तो रिया हो गई है अब करने लायक, तो इसलिए रिया साथ में दादी के अपने लगी हुई है कि लाओ दादी आप खाली चकई बना दो और पूड़ी की, और मैं पूड़ी फटाफट से बेल देती हूँ। तो देखिए दोनों लोग ने पूड़ी और मतलब चकई बना के रिया ने बेल दी थी, और अम्मा जी पूड़ी निकाल ले रही हैं, क्योंकि अभी रिया को थोड़ा मैं कमी तेल के पास जाने देती हूँ, क्योंकि बच्ची है, छोटी है, अभी बाई चांस कभी हाथ वगैरह पर आ जाए, जल जाए हाथ, इसीलिए मेरे को डर सा लगता है। तो इधर मैं भी थी, तो मैं इधर आटा खाली कर रही थी, तो इतनी देर में थोड़ी सी ही पूड़ी बनानी थी काली माता जी को चढ़ाने भर की, बाकी खाना तो मैंने मतलब बाद में बनाना है, जब अभी अम्मा बना के जब हट जाएंगी पूजा पाठ वाला साफ मतलब सामान, तब उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो इधर देखिए पूरी तो हो गई है, उसके बाद लपसी भी मतलब फटाफट से थोड़ी सी लपसी बनानी थी, क्योंकि बच्चे उतने चाव से लपसी खाते नहीं हैं, तो लेकिन पूजा चढ़ानी है तो इसलिए बनानी ज़रूरी है। तो इधर अम्मा जी ठाकुर बाबा को नहला दे रही थी, मतलब शालिग्राम जो हैं उनको नहला दे रही हैं, सबको टीका लगा रही हैं। और इधर जो भी खाना था वो बन के आ चुका है यहाँ पर, और एक साड़ी है, और मतलब जैसे भी पूजा वगैरह की जाती है वो अम्मा अपने हिसाब से कर रही हैं, क्योंकि अभी ये हैं, तो इसलिए मैं अभी इतना मुझे पता भी नहीं है, देखती हूँ, लेकिन फिर भी ये रहता ना कि इधर देखती हूँ उधर माइंड से निकल जाता है, दिमाग में बैठाने की बहुत कोशिश करती हूँ किस तरीके से कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी अपनी डायरी में लिखती रहती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फिर भी क्या करें, बड़े के रहने के बाद ना एक सर पे हाथ सा बना रहता है कि नहीं कुछ ध्यान रह पाता मेरे को। तो इधर मैं अभी वीडियो है, तो वीडियो में तो मेरी मेमोरीज़ बन के रखा रहेगा कि हाँ इस तरीके से किया जाता है। और इधर देखिए लपसी पूड़ी हमारी बन चुकी है, आइए आप सब भी प्रसाद का भोग लगा लीजिए। और उसके बाद मैंने सीधा शाम को 4 बजे ही शूट किया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। तो इधर मैं गुड़ फोड़ रही थी, तो गुड़ मैं फोड़ रही थी क्योंकि थोड़े से आम आए थे और मैंने रिया के पापा से मंगवाए थे मार्केट से,
तो अभी क्योंकि पेड़ पे है ना, कि पेड़ पे बहुत छोटे छोटे आम हैं, तो इधर मेरे को बनाना था आम का मुरब्बा। आप लोग हमारे यहाँ मतलब कई कई जगह पे यहाँ पे गलका भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं आम का। तो इसको मैंने शुरू से नहीं दिखा पाई, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी दीदी का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, तो एक ही मोबाइल है, इसलिए नहीं आप सभी को रेसिपी शेयर कर पाई। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैंने आम को पहले मस्टर्ड ऑयल डाल के थोड़ा सा मेथी डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, सिर्फ सौंफ, अजवाइन और क्या बोलते हैं ये धनिया, खड़ी धनिया और सूखी लाल मिर्च, जो भी पीस के हम लोग फास्ट का जैसे मसाला बनाते हैं वही मसाला डाला था। उसके बाद थोड़ी देर भून लिया था और गुड़ वगैरह सब डाल के एक साथ भून के और पानी डाल दिया है। तो देखिए ये ना काफ़ी टाइम तक हम स्टोर भी करके रख सकते हैं, और खट्टा मीठा और हल्का नमकीन सा रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में। मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, और ये स्टोर करके रख दो तो काफ़ी दिन तक चलता भी है, और सभी को पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद रहता है। तो इधर मैंने खाली कर लिया है, और यहाँ पे रिया मांज रही थी बर्तन, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थकावट सा फील हो रहा था। और फिर ऐसा है जब किसी का सहारा मिल जाता है ना, तो हमको कुछ करने का भी मन नहीं करता, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का काम रिया कर लेती है। हल्का फुल्का नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है बेटियाँ, कहते हैं ना, इसीलिए हमको बेटियों को ज़्यादा हमको वो रहता है, हमेशा लगाव रहता है बेटियों से, क्योंकि बेटियाँ हमारे साथ साथ हमारे साथ हमेशा लगी रहती हैं। और तो इधर रिया ने बर्तन मांज लिए हैं, बर्तन मांजने के बाद वो आंगने को धो देगी, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं करती हूँ उसी तरीके से वो भी देखती है तो करती है। बच्चे जैसा जो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, तो मेरी आदत है, मेरे को गंदगी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। बर्तन वगैरह धो के मैं अपने आप साफ़ कर देती हूँ, तो वही काम वो भी कर रही है। उसके बाद ये हम लोग अभी थोड़ी देर जाएंगे छत पे, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो इधर देखिए मतलब सूरज ढल रहा है, मौसम काफ़ी प्यारा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, हमारे यहाँ पेड़ पे ना आम भी हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं अभी, आम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसलिए अभी मुरब्बा वगैरह अचार बनाने लायक नहीं है। हाँ ये है, खटाई वगैरह हो तो बनाने लायक है, लेकिन अभी पेड़ पे से तोड़ के खटाई तो बनाना भी कोई उतना वो नहीं है। जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब खटाई वगैरह बनाई जाएगी। तो आज का ये वीडियो व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। और देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी छोटे छोटे हैं उतने दिख नहीं रहे हैं, देखिए यहीं पे आम हैं, इस पे लगे हुए हैं, और इस टाइम पे फूल तो काफ़ी सुंदर सुंदर एकदम मन मोह लेते हैं, रेड रेड फूल इतने प्यारे लग रहे थे ना दरवाजे पे, तो छत पे से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है शूट करना। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सूरज भगवान एकदम लाली छाई हुई है। तो लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।